और दोस्तों जय माता रानी की। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए मंगलवार की व्रत की कथा लेकर आए हैं। दोस्तों हनुमान जी महाराज की बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। दोस्तों एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह रोजाना हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी, हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करती थी। उसका रोजाना का नियम था, साथ में वह एक मोटा सारा रोटा और चूरमे का लड्डू बनाकर ले जाती थी और हनुमान जी को चढ़ाकर फिर कहती, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा, मैं देऊं तुम्हें जवानी में, तुम मुझे देना इसे बुढ़ापे में। कई वर्षों बाद उसके घर बहू आ गई। बहू ने सास से कहा, ये रोज रोज रोटा चूरमा लेकर आप कहाँ जाती हो? सास ने कहा, बहू मैं हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ और यह मेरा वर्षों का नियम है। बहू ने कहा, इस तरह बेकार खर्चा नहीं करने दूंगी। सास दुखी होकर सो गई। खाली हाथ मंदिर जाने को उसका मन नहीं कर रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया। बहू ने इसकी परवाह नहीं की और सोचा, एक दो दिन भूखी रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। इस प्रकार बुढ़िया माई का पूरा सप्ताह निकल गया। हनुमान जी महाराज ने सोचा, बेचारी बुढ़िया माई अपने कारण भूखी पड़ी है, सो एक रोटा और चूरमे का लड्डू लेकर आ गए और कहने लगे, बुढ़िया माई भूखी क्यों सो रही है? तब बुढ़िया माई कहने लगी, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुढ़िया माई रोटा, तूने मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे देऊं बुढ़ापे में। तब बुढ़िया माई ने कहा, आज तो तुम दे दोगे पर कल कौन देगा? तब हनुमान जी महाराज ने कहा, कल भी देने आऊंगा, रोज देने आऊंगा। तब बुढ़िया माई उठकर रोटा चूरमा खा लेती है। धीरे धीरे बुढ़िया माई चूरमा खा खा कर मोटी होने लगती है। बहू ने सोचा, सास भूखी प्यासी रहकर भी मोटी कैसे होती जा रही है, देखना चाहिए। इधर बहू के यहाँ खाने को कुछ भी नहीं रहा। एक दिन रात को बहू ने छिप कर देखा तो हनुमान जी महाराज स्वयं बुढ़िया माई के लिए रोटा चूरमा देकर गायब हो जाते हैं। बहू ने जाकर सास के पांव पकड़ लिए और कहने लगी, सासू जी मुझे माफ कर दो, आप रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हमें भी साथ ले चला करो। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।